वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। माय नेम इज आमिर, आप देख रहे हैं टाइगर चैनल। जी हां गाइस, आज फिर से आपको रूबरू करवाते हैं ग्राम देवराना से पूर्व प्रधान और अब की बात प्रधान पद के प्रत्याशी भी जनाब अबरार अहमद साहब से। चलिए आज हमारे कुछ होंगे तीखे सवाल और उनके होंगे कुछ हंस से मुस्कुराते हुए जवाब। चलिए वीडियो को एंड तक देखते रहे, मिलाते हैं आपको जनाब अबरार अहमद साहब से। अस्सलाम वालेकुम अबरार भाई। जी अबरार भाई, आज हम आपसे कुछ सवाल करेंगे, हमारे कुछ तीखे सवाल और आपके कुछ हंसते मुस्कुराते होंगे जवाब। तो मैं आपसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि आपका पर्चा दाखिला हो गया, क्या आपको चुनाव चिन्ह मिल चुके हैं? जी नहीं, अभी नहीं, कल मिलेगा। कल मिल जाएगा चुनाव चिन्ह। तो अबरार अहमद भाई, आज का जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आप प्रधान पद के प्रत्याशी, अभी तो आप प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, अगर आपकी जीत होती है तो आपके गाँव के विकास के लिए आपके क्या क्या वादे हैं, आप क्या करना चाहेंगे अपने गांव के लिए जीत होने के बाद? जीतने के बाद मैं गांव के विकास के लिए तो बहुत कुछ सोचा हूं इंशाल्लाह। पहला काम ये रहेगा कि नाली, सड़क, विधवा पेंशन, 60 साल पेंशन और जो है राशन कार्ड, बिजली, इस सबको जो है गांव में 100% करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह और करूंगा। लेकिन अबरार अहमद भाई, आप पूर्व प्रधान रह भी चुके हैं जी, लेकिन आपने क्या किया है अपने गांव के लिए? गांव के लिए मैं जब प्रधान था तो काम तो बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ काम रह गया था। उसके बाद इलेक्शन हो गया, इलेक्शन में मैं हार गया इलेक्शन, और मेरे बाद वाले जो प्रधान जी हैं वो गांव के विकास के नाम पर कुछ काम नहीं किए, जो कि वही काम जो मेरे पीरियड का छूटा था वो आज भी वैसे पड़ा है और उसको इंशाल्लाह पूरा करूंगा। तो आप जो गाँव के जितने भी निवासी हैं, आप उनके स्वास्थ्य के लिए आप क्या करना चाहेंगे? पूरे गांव के स्वास्थ्य के बारे में तो मेरी सोच ये है कि हमारे गांव में तो कोई स्वास्थ्य केंद्र है नहीं। जी नहीं, हमारा स्वास्थ्य केंद्र सिमरियावा है जी। और उनको स्वास्थ्य के बारे में सोचा ये हूं कि गांव में एक साधन जी अपनी तरफ से रखूंगा इंशाल्लाह। अगर सरकार की तरफ से, कोई सी योजना की तरफ से मुझे अगर एक एम्बुलेंस मिल गया गांव की तरफ से तो एम्बुलेंस रहेगा, और नहीं तो एक 4-व्हीलर मैं अपनी तरफ से गांव में रखूंगा, जिससे गांव के लोग बीमार होने पर उस साधन से हॉस्पिटल तक जा सके। जो अगला क्वेश्चन है, आप पूर्व प्रधान रह चुके थे जी, पूर्व प्रधान जब थे तो आपने महिलाओं के उत्थान के लिए आपने क्या क्या किए? मैं जब प्रधान था तो महिलाओं के लिए सरकार द्वारा चलाए गए मनरेगा के तहत जो इच्छुक महिलाओं को रोजगार दिया, उनके समाजवादी पेंशन लगवाया और उसके अलावा कोई खास योजना थी नहीं। तो आपकी क्या सोच है, अगर आपकी जीत होती है, अगर आप प्रधान बन जाते हैं तो आपने अब आगे क्या सोचा है, आप क्या योगदान क्या करेंगे आप महिलाओं के उत्थान के लिए? मैं अपने ग्राम सभा की महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार द्वारा चलाई गई योजना के तहत उनको नरेगा योजना के द्वारा रोजगार मुहैया कराऊंगा। जो गांव की बहन बेटियां कढ़ाई सिलाई करने की इच्छुक होंगी उनका कढ़ाई से सिलाई सेंटर खुलवाने की सोच रखी है, और जो गांव की बहन बेटियां पढ़ाई के बाद कंप्यूटर सीखना चाहती हैं तो गांव के मक्कब स्कूल में एक कंप्यूटर सेंटर खुलवाने की योजना सोची है, और जो गांव महिलाओं के लिए पेंशन लगवाना, सभी विधवा महिलाओं के लिए पेंशन लगवाना और उनके स्वास्थ्य के लिए अपने साधन प्रसाधन से उनका इलाज करवाना, ये मेरी सोच है। तो आपको आपकी तो अब शिक्षा को लेके आपकी क्या राय है, क्या आपके गांव में स्कूल की सुविधा है बच्चों के लिए, और आगे आप कुछ करना चाहते हैं, आपकी क्या राय है इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हमारे गांव में कोशिश में बहुत किया था और जो है बजट भी आया था जी, लेकिन जमीन ना मिलने पर्याप्त की वजह से स्कूल नहीं ला पाऊंगा इंशाल्लाह। तो अब जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है अबरार अहमद भाई, जैसे कि आपको तो पता है सियासी माहौल चल रहे हैं, अगर कभी भी ऐसा हो ना, लेकिन मैं बात कह रहा हूँ कि अगर लड़ाई झगड़ा कोई भी फसाद होती है तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? गांव तो हर गांव होता है, उसमें लड़ाई झगड़ा होती रहती है। मैं 5 साल प्रधान था, गांव में लड़ाई झगड़ा होती थी। मैं गांव की लड़ाई झगड़ा जितने हुए हैं उसमें 95% सुलह ही करवाया है, यानी पुलिस को गाँव तक नहीं जाने दिया है। और इस बार अगर हुआ, प्रधान हो गया, तो इंशाल्लाह
पहली कोशिश मेरी ये है कि गांव में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, अगर हो भी गई किसी कारणवश तो गांव में पुलिस नहीं जाने पाएगी, कोई केस हो गई तो उसको कोशिश करके हाथ पैर जोड़ करके सुलह करवाऊंगा। तो ये आपके हाँ, तो आपके गरीब बच्चों की शादियों की जो बच्चे बच्चे हैं उनकी शादियों में जो बाधाएं आती हैं, तो उसको लेके आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है? मेरी राय ये है कि उसमें अगर मैं प्रधान पद पे पहुंचा तो गांव की किसी भी गरीब बच्चियों की शादी में जो बाधाएं आएंगी उसको इंशाल्लाह पूरा करूंगा, और मैं अपनी तरफ से गांव की हर बच्चियों की शादी में 10,000 का योगदान करने का इरादा कर लिया हूं। चलिए ठीक है, आपने शादी में तो ये इरादा कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं अबरार भाई ऐसा भी होता है, ऐसे ऐसे घर होते हैं हमारे गांव में जहाँ पे गरीब बच्चे उनके पास फीस नहीं है पढ़ाई के लिए, वो लोग स्कूल नहीं जा सकते, पैदल चल के जाना पड़ता है, तो कभी कभी होता है कि साइकिल नहीं होती उनके पास, बहुत सी सारी तकलीफें आती है, तो उसके बारे में आपकी शिक्षा को लेकर क्या राय है? साधन की व्यवस्था के लिए पूरी कोशिश करूंगा और उनकी पढ़ाई के लिए एक से लेकर के इंटर तक की पढ़ाई की पूरी फीस की ये मैं गारंटी लेता हूं कि मैं अपने पास से सहन करके उनको इंशाल्लाह इंटर तक की पढ़ाई पूरी कराऊंगा। तो अबरार भाई ये आपके वादे हैं या आप आगे करने के लिए भी तैयार हैं? नहीं, ये मेरे वादे नहीं है, इंशाल्लाह ताला ये मेरे पक्के इरादे हैं जी। तो आपकी सोच जो है कि मेरा गांव स्मार्ट गांव बने, आपकी यही सोच है? हाँ, इंशाल्लाह अगर मैं हुआ तो 5 साल के अंदर अपने गांव को आदर्श ग्राम सभा में इंशाल्लाह बदल कर ही रहूंगा। इरादे हैं काफी अच्छे, इरादे आपने बताए, उम्मीद करता हूँ ये जो आपकी वीडियो जनता देख रही है उनको भी पसंद आए होंगे, आपसे बात करके हमें काफी अच्छा लगा, तो इंशाल्लाह आपकी जीत तो जरूर होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना और वीडियो को शेयर कर दो सारे ग्रुप में। मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।